हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 टॉप ब्लूटूथ माउस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लूटूथ माउस और वायरलेस माउस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर आते हैं सब ब्लूटूथ माउस के नाम से ही मांगते हैं, वही मांगते हैं और उनको चाहिए होता है वायरलेस माउस। दोस्तों, ब्लूटूथ माउस और वायरलेस माउस में डिफरेंस ये है कि ब्लूटूथ माउस ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में अगर ब्लूटूथ है तो उससे कनेक्ट होगा, उसमें रिसीवर की आवश्यकता नहीं होती, उसमें रिसीवर होता ही नहीं है। और जबकि वायरलेस माउस के अंदर उसके साथ में एक रिसीवर आता है, एक छोटा सा डोंगल आता है जिसको कनेक्ट करो और उसके बाद उसको यूज में लो। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो डोंगल खो गया, कहीं पर भूल गया, आप कहीं पर रख दिया, तो फिर वो माउस बेकार। तो ब्लूटूथ माउस के अंदर खास बात क्या है कि उसको कोई रिसीवर की जरूरत नहीं होती। वो जैसे आप हेडफोन कनेक्ट करते हो मोबाइल से, उस तरीके से आप उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे आपका एलईडी स्मार्ट टीवी हो जिसके अंदर ब्लूटूथ हो, तो आप उसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको टॉप 5 बताने वाला हूँ। पहले दोस्तों मैं कम रेंज वाले बताऊंगा, उसके बाद अपन अच्छी रेंज में चलेंगे, ड्यूअल वाले बताऊंगा जिसमें दोनों ऑप्शन आते हैं वो भी बताऊंगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला दोस्तों प्रोटोनिक्स का माउस आता है, इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वायरलेस सपोर्ट करता है। इसकी कनेक्टिविटी ड्यूअल होती है, ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता है। ये अपने वायरलेस माउस भी है और ब्लूटूथ माउस भी है, दोनों चीज़ इसमें काम करती है। DPI अप टू 1600 का है। कंपेटेबिलिटी लैपटॉप, डेस्कटॉप, मैकबुक, यूनिक्स, लिनक्स, मतलब सभी को सपोर्ट करता है। आपके एंड्रॉइड को, सबको सपोर्ट कर लेगा ये। और बैकअप, इसके अंदर 7 दिन का बैकअप आता है। ये चार्जिंग फैसिलिटी के साथ आता है, सी टाइप की चार्जिंग केबल साथ में आएगी, उससे आप इसको कनेक्ट करके और चार्ज कर सकते हो। आप चाहे लैपटॉप से चार्ज करो, चाहे अलग से आपके चार्जर के द्वारा चार्ज कर लो। ये अगर चार्ज करने के बाद 7 दिन चलेगा, तो जिसको बार बार सेल का खर्चा नहीं करना है तो वो ये माउस ले सकता है। बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये मिल रहा है, 576 रुपये इसकी प्राइस चल रही है, ऊपर नीचे होती रहती है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो ये सबसे चीपेस्ट मॉडल लगा मुझे जिसके अंदर दोनों चीज हैं और वो दोनों चीज़ें ही काम करती है अच्छे से और बहुत कम प्राइस के अंदर है। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे मॉडल की तरफ, वो है HP का 240, जिसके अंदर ब्लूटूथ 5.1 सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी केवल ब्लूटूथ की है, ओनली ब्लूटूथ चलता है और DPI अप टू 1600 है। और कंपेटिबिलिटी वही दोस्तों, लैपटॉप डेस्कटॉप सभी को सपोर्ट करता है, मैक को भी सपोर्ट करता है, विंडोज को भी सपोर्ट करता है, सभी को सपोर्ट करता है। और बैकअप 24 मंथ का है, इसके अंदर सेल लगते हैं जो कि 24 महीने चलते हैं। AA बैटरी सेल आते हैं इसके अंदर। और दोस्तों इसकी प्राइस 898 रुपये होने वाली है, बहुत अच्छी प्राइस है, HP का ब्रांड है और उसके साथ बहुत बढ़िया प्राइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें केवल ब्लूटूथ ही सपोर्ट करता है, ओनली ब्लूटूथ जिसको चाहिए वो इसकी तरफ जा सकता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे है HP का 410 स्लिम वाइट ब्लूटूथ माउस आता है। ये 2 कलर में आता है, शायद ग्रे कलर में भी आपको मिल जाएगा, और वाइट कलर में आता है। बिल्कुल स्लिम सा इसका मॉडल है, ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करता है, कनेक्टिविटी ब्लूटूथ ही है, ओनली केवल ब्लूटूथ है। DPI 1000 से 2000 DPI सपोर्ट करता है। वो कंपेटिबिलिटी विंडोज लैपटॉप डेस्कटॉप यूनिक्स लिनक्स सबको कंपेटिबिलिटी को सबको सपोर्ट करता है। बैकअप इसके 12 महीने का होता है, इसका जो बैटरी सेल लगती है वो 12 महीने तक बैकअप दे देती है। दोस्तों इसकी प्राइस 1499 रुपये है। ये एक्चुअली क्या स्लिम मॉडल है, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि दिखने में लुकिंग में अच्छा लगता है, तो इस हिसाब से इसकी प्राइस ज़्यादा हो सकती है। चलते हैं दोस्तों चौथे मॉडल की तरफ, जो कि डेल का MS3320W है, वायरलेस ब्लूटूथ माउस है। इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 और वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी ड्यूअल है, दोनों को सपोर्ट करता है। DPI 4000 DPI का है और कंपेटिबिलिटी वही विंडोज़, मैक, लिनक्स, यूनिक्स सबको सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है, स्मार्ट टीवी को सपोर्ट करता है, सभी को सपोर्ट करता है। आपके मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हो तो मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है। और बैकअप 36 महीने का है इसका,
इसमें बैटरी सेल डबल ए वाले लगते हैं जो कि 36 महीने चलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, आप दोनों पे दोनों के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये बेस्ट मॉडल लगा मुझे, और इसके बाद मैं जो पांचवा बता रहा हूँ वो ब्रांड अलग ही है कुछ। दोस्तों पांचवें नंबर पे है लॉजिटेक सिग्नेचर M650। ये दो तरीके से आता है, M650 और M650L। L का मतलब होता है लार्ज, फुल साइज। अगर आपका हाथ बड़ा है, फुल साइज वाला है, हैं, तो उसके लिए तो लार्ज ही चाहिए, और आपका नॉर्मल हाथ है, नॉर्मल साइज है, तो फिर आप 650 नॉर्मल वाला ले सकते हैं। तो आप जब भी परचेज करो उसमें आगे देख लेना कि उसमें L लिखा हुआ है कि नहीं है। L लिखा हुआ है तो लार्ज है, L लिखा हुआ नहीं है तो लार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो में सेम ही दिखाई देता है। ये ब्लूटूथ 5.0 और 2.4 गीगाहर्ट्ज दोनों को सपोर्ट करता है। इसमें ड्यूअल है, कनेक्टिविटी ड्यूअल है, दोनों को सपोर्ट करता है। और कंपेटेबिलिटी वही है, विंडोज़, मैक, लिनक्स, क्रोमबुक सबको सपोर्ट करता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप जिसके अंदर ब्लूटूथ लगा हो सबको सपोर्ट करता है, नहीं तो इसके अंदर वायरलेस डोंगल भी है। आप चाहो तो आपके डेस्कटॉप में जिसमें वायरलेस, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप उसमें लगा के आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। बैकअप 2 ईयर्स का आता है इसके अंदर, और प्राइस दोस्तों 2495 रुपये है, क्योंकि दोस्तों इसका नाम ही काफ़ी है। लॉजिटेक ब्रांड है जो कि बहुत पुराना ब्रांड है, और इसके नाम से ही ये बिकता है, और बहुत बढ़िया क्वालिटी है। हाथ में अगर आप पकड़ोगे तो बहुत अच्छा फील होगा, बहुत कम्फर्ट फील होगा। और इसकी स्पेशलिटी क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो साउंड है वो क्लिक का जो साउंड है बहुत कम है, साइलेंट क्लिक है। और दूसरा इसका स्मार्ट व्हील है, बहुत फास्ट, आप जैसे रोलर को घुमाओगे फास्ट रोल करेगा, और आप बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे तक अगर आपको लंबी फाइल है तो वो स्क्रॉल करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार, तो उसके लिए ये बेस्ट माउस रहेगा। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है इसकी, 10 मीटर तक की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर जो बटन लगे हुए हैं वो कस्टमाइज आप कर सकते हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर आता है उसके थ्रू आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको 5 माउस बताए हैं, 5ों माउस में से जो भी आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको कुछ और पूछना है, इसके बारे में पूछना है, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और कुछ नया जानना है तो भी मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर आप कुछ बताओगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।